70 किलोमीटर चलाने के बाद और 4 घंटे बाइक चलाने के बाद और बहुत ही ख़राब रास्ते से बाइक चलाने के बाद फाइनली पहुँचा हूँ कुंजुमला पास। कुंजुमला बोलो या कुंजुम पास बोलो, ज़रा मंदिर में हाथ जोड़ करके आते हैं और निकलते हैं क्योंकि लेट हो जा रहा है और जितना लेट उतना नाले ज़्यादा तेज मिलेंगे पानी से भरे हुए। उस तरफ से आए हैं ऐसे, ये कुंजम पास है और ऐसे हम पीछे रख कर रहे हैं। कुंजुम पास से निकल रहा हूँ फाइनली। चलते चलते हो गई हालत खराब, अभी मैं उनकी वेट कर रहा हूँ जो गाड़ी में चल रही है। भाई साहब हालत खराब, यहाँ पे ताल को चला जाता है रोड ऐसे कि बेसिकली यहाँ से आए सीधा चले गए जंगल ताल और लेफ्ट को मुड़ गए तो आप मनाली की तरफ जा रहे हैं। ओह जगह देख लो भाई कैसी है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अभी भी रोड काफ़ी दूर है यहाँ से। मैं ये जो 2-3 बाइकर्स और जो गाड़ी आ रही है उनकी वेट कर रहा हूँ। क्या हो गया, आ गए भाई, सब लोग इकट्ठे चल दो सही है ना, थोड़े दूर का सपोर्ट सिस्टम हो जाता है वो, क्योंकि रास्ता जो है बिल्कुल टूटा फूटा और बेहद थकाने वाला है। एक ग्रुप है बाइकर्स का वेस्ट बंगाल से, ये भी आ रहे हैं, एक आगे चला गया इनमें। गाड़ी वाले गाड़ी थोड़ी धीरे चलती है यार यहाँ पर, वो भी छोटी गाड़ी है उनके पास जो है ऑल्टो, तो वो तो और धीरे चलेगी। भाई वो फेमस चंद्रा ढाबा बाटाल,
पूरी भाई नदी में से गुजर रहे हैं एक तरह से मान के चलो। ओ ओ ओ, ओ। नहीं होगा चला जाएगा क्या ऊपर? Is it okay or is it deep? नॉर्मल ही है। अब उधर कुछ नहीं है ना? वो लोग क्यों रुके हैं? वो लोग क्यों रुके हैं? वो लोग क्यों रुके हैं? वहाँ पानी ज़्यादा है क्या? नहीं, यहाँ तो ठीक है, दिख रहा है जहाँ वो रुके हैं। चलो मैं जाके देखता हूँ। डीप है क्या? डीप है? नो नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ हाँ, और वोटर क्रॉस। ओ ओ ओ ओ ये कहाँ से गया? अच्छा, ऐसे जाना है क्या? ओके, यस 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 यस। ओह अच्छा, यू जाना है और यहाँ रुक जाना है। उसको जाने देते हैं पहले टिम क्रॉस। Come on, come on, carefully, carefully, careful, carefully, yeah, 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 careful, careful, yes, yes, careful, careful, yes, yes. अरे stone ना, मतलब ऐसे तो नहीं है, बस slippery है ऐसा लगता है। पानी भी तो ज़्यादा नहीं है। ओह अच्छा, ये ब्रिज बना दिया इन्होंने। ऐसे इनको ना हर वाटर क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज बना देना चाहिए। तमिलनाडु, आर देयर एनी बिग वाटर क्रॉसिंग्स? स्मॉल वन राइट? देर इज वन बिग कमिंग अप राइट? बिग वाटर बोर्ड, या क्रॉस इट केयरफुली। ओके, ट्राई ट्रेवल सेफ, बाय बाय। देखा ही नहीं उन्होंने यहां। मैं बाइक रोकने बड़ा मुश्किल काम है, यहां बाइक रोकने बड़ा मुश्किल काम है।
ऑल वेल। पत्थर आया, आगे पत्थर है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर गिरेगी। थैंक यू बड़ी। ये रास्ता है कि खत्म ही नहीं होगा दे रहा। From Kerala? You guys are riding these autos from Kerala? From Leh. They were rented from Kerala, but we started in Leh. Oh, you started in Leh. Okay. Quite an adventure. चलो भैया एक और वाटर क्रॉसिंग ली। मनाली 93, रोहतांग 43 या 47। तो अब लग रहा है थोड़ा कुछ पास पास आ रहे हैं, उतना भी नहीं है अभी। हाई रोड हाईवे जो है करीब 40 किलोमीटर दूर है। एक बंदे से अभी पूछा था मैंने, ट्रैक्टर वाले आ जा रहा था एक, तो 43 जो है बहुत दूर है भाई इस तरह की रोड कंडीशन में। नॉर्लिंग फूड एंड टेंट्स, कौन सी जगह है भाई ये? विच व्हाट इज दिस प्लेस, क्या नाम है नहीं पता? नॉर्लिंग। करीब 106 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए था बीच में, जो चाय टकरी चाय पी है। बाकी लोग जो साथ में बाइक पे हैं तो आराम कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। लग रहा है सब लोग जो कहाँ से निकले हैं वो अब यहाँ अब रुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 40 किलोमीटर अभी और रह गया है जो हाईवे, जो रोड मेन, जो पक्की रोड मिलने वाली है। तब तक हमें इस रोड पर ही जाना है, ऐसी रोड पर 40 किलोमीटर और, मतलब 2 घंटे और, मतलब मनाली पहुँचेंगे हम और 4 घंटे में। ये मशीन ना
मुझे बड़ी ख़तरनाक लगती है। रेस्ट कर दी उसने और बारिश शुरू हो गई है। अरे अकेली कहाँ घूम रही हो ऐसे सब लोग हैं? भैया ये नदी का नाम क्या है? नदी कौन सी है ये? नदी नदी वो वाली है? अच्छा छत्रु, ये कहीं रही रोड विश्राम करे छत्रु। अबे मैंने कहाँ जाना है? नीचे जाना है क्या? यही होगा, वो तो नहीं हो सकता। वो पुल अच्छा लग रहा है, मजबूत नया टाइप्स। वो देखो पुराना पुल, भैया ये नदी कौन सी है? ये नदी का नाम क्या है? हैं भागा, ये कहाँ मिलती है आगे? ये तो हैं, अच्छा भागा है ये है, ठीक है धन्यवाद। भागा है, पहले वाले ने भी यही बताया था मुझे, लेकिन कन्फ्यूजन था थोड़ा, कन्फर्म कर लिया भागा। काफ़ी काफ़ी तेज़ मतलब पानी है, काफ़ी तेज़ बह रही है भाई, पानी देखा है पानी का फ्लो, एकदम ग्रीनरी स्टार्ट हो गई। यानी पीछे बोर्ड पे 17 किलोमीटर था जो जहाँ पर वो जहाँ हाईवे मिलता है छत्रु से रोहतांग, पता नहीं 32 या 37 था। तो मैंने वहाँ पर लोग रुक के खाना वाना खा रहे थे, मैंने को लगा नहीं यार अभी खाना खाना नहीं चाहिए, भूख नहीं लग रही। एक दूसरा इस प्रेशर में भी नहीं लग रही कि यार फटाफट से भगाऊं और मनाली से कहीं आगे ज़्यादा नीचे तक जाऊँगा। मनाली नहीं रुकना चाहता क्योंकि मनाली रुकूंगा फिर कल पूरा दिन मनाली से दिल्ली जाना, तो यार कर सकते हैं लोग, करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ अपने पुश पर, मैं वो करना नहीं चाहता। तो जितना डिस्टेंस नीचे तक चला जाया जा सकता है, कुल्लू या बियॉन्ड कुल्लू देखूँगा, तो ये सब डिपेंड करता है मैं मनाली कितने बजे टच करता हूँ। अब मैं रह गया हूँ हाईवे से मेन या मेन रोड से 8-10 किलोमीटर दूर और मौसम हो रहा है ख़राब। हाँ ये बाहर हूँ, अगले वो देख रहे हो सामने वो अटल टनल है, फाइनली अटल टनल पहुँच गया मैं, इसको क्रॉस करके मनाली साइड कितने लगे 10-12 मिनट लगने चाहिए। चलिए जी ट्रिप मोर और लेस पूरा हो चुका है, मनाली पहुँच गए, अटल टनल पहुँच गए, तो मनाली पहुँच गए मानते हैं ये, वो टेक्निकली नहीं है वो अलग बात है, मनाली यहाँ से अभी 32 किलोमीटर दूर है और ऑलमोस्ट। कुल्लू 74, तो भाई ये है अटल टनल, ये ब्रिज जो वहाँ अटल टनल पे जोड़ देता है। ये नॉर्थ पोर्टल है इसका, लोग खिंचा रहे हैं यहाँ पर फोटो, अपन जा रहे हैं यहाँ से। यस फाइनली इनटू द अटल टनल, क्या स्पीड है भैया, स्पीड लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा, 40 थी क्या? कैसी अजीब सी स्मेल है इसके अंदर, 40 सेज 40, सो विल फॉलो द स्पीड लिमिट। आधी टनल पार हो गई है और स्पीड लिमिट अब थोड़ी देर पहले ही हो चुकी थी 60, जब एंट्री कर रहा था 40 थी, 60 हो गई, तो अपना 60 के अंदर ही चल रहा हूँ। सही है यार, कितना लंबा पहाड़, कहाँ से क्या पहाड़ काटा है यार,
बाप रे, और ऑलमोस्ट स्ट्रेट चल रही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। आ गए टनल के बाहर और यहाँ तो मौसम ही बिल्कुल बदला हुआ है। ओ भाई, यहाँ तो बारिश होगी ऐसा लग रहा है, हो रही है इनफैक्ट। ओ भाई, वहाँ क्या धूप निकली थी और यहाँ मौसम बदला हुआ। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, आई मीन मनाली। और ये अपनी बाइक, यहाँ रुकाऊँ मैं एक एसएलएस कैफे में, मुझे कुछ क्विक ऐसे कुछ फास्ट फूड कुछ खाना था, ज़्यादा कुछ हैवी खाना नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका है, 5 बज चुके हैं। और इसी के साथ अपना जो स्पिति ट्रिप है वो दी एंड होता है, क्योंकि इसके बाद वीडियो बनाऊँगा नहीं। मनाली से नीचे जाते हुए क्या वीडियोज़ बनाने हैं दिल्ली तक जाने के, आज तो नहीं जाऊँगा, कहीं जितना नीचे तक जाया जाएगा रोशनी में ज़्यादा जब तक नहीं थकता जाता रहूँगा, फिर कहीं रुक जाऊँगा और फिर सुबह कल अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा दिल्ली के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो फार। बाय बाय, टाटा।